ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब भी आते हैं तो उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूजुअली जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम नॉन बेसिक फंक्शंस को बेसिक में कन्वर्ट करते हैं। अब इशू ये है कि एक कॉस है और एक कॉट स्क्वेयर है। कॉट स्क्वेयर नॉन बेसिक है, अगर इसको कॉस ओवर साइन लिखा भी जाए तो कॉस ओवर साइन लिखने से कोई हमें एडवांटेज नहीं मिल रहा, क्योंकि ऊपर कॉस होगा तो कॉस इंटू कॉस फिर कॉस 4 बन जाना है और नीचे साइन स्क्वेयर, तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। हमें इसका एडवांटेज उस वक्त होना है जब कॉट की जगह टेन लिखा हुआ हो, ताकि हम टेन को साइन ओवर कॉस लिखें तो कॉस कॉस से कट जाए, या कॉस की जगह पे साइन लिखा हुआ हो ताकि जब इसको कॉट को कॉस ओवर साइन लिखें तो साइन साइन से कट जाए। इसका मतलब हमारे लिए फिजिबल तब बनेगा ये जब हम या तो कॉस के को किसी तरह साइन में कन्वर्ट कर दें या कॉट को टेन में कन्वर्ट कर दें। अब कॉट टेन में कन्वर्ट बेटा तब होता है जब वो 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं उसको, ठीक है, जबकि कॉस जो है वो साइन में 1 ओवर के बगैर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि बजाय कॉट को चेंज करने के, ये जो कॉस स्क्वेयर लिखा हुआ है इसकी आइडेंटिटी जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। फाइव बाई सिक्स, फाइव बाई फोर, कॉस स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और साथ आ जाएगा कॉट स्क्वेयर। अब आप देखें हमें फायदा क्या हुआ है कि अब आसानी से हम अगर कॉट स्क्वेयर को कॉस स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर लिखे ना तो हमें उसका एडवांटेज मिलता है। उसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि इसमें साइन साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आप लोग इसी के बिल्कुल नीचे देखें ना, इसी क्वेश्चन जो बुक आपके सामने पड़ी है इसके बिल्कुल नीचे क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन 20 बिल्कुल इसी तरह, अगर वो कोर्स में है भी, करना भी है आप लोगों ने, क्वेश्चन 20 के अंदर देखें यहाँ लिखा है ना 1 माइनस साइन स्क्वेयर इंटू कॉट स्क्वेयर, तो क्वेश्चन 20 में देखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वेयर इंटू टेन स्क्वेयर लिखा हुआ है, बिल्कुल ये सेम स्ट्रक्चर है। तो वो आपने खुद करना है बेटा। अब मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉट स्क्वेयर को। अब ये जो कॉट स्क्वेयर है ये आप सारे जानते होंगे, अगर आप भूल ना गए हो तो आपको मैंने 3.2 से ये बात बताना शुरू की थी कि टेन और कॉट जब स्क्वेयर में आ जाए तो आइडेंटिटी यूज करते हैं इसकी, ठीक है। टेन और कॉट जब भी स्क्वेयर में आते हैं तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, और जिस तरह टेन की आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन होती है, इस तरह कॉट की आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन होती है। और ये दो जो हैं जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसको अब हम आसानी से अगर ओपन करें तो हमें रिजल्ट मिलता है ये वाला जो है। साइन स्क्वेयर को तो नहीं छेड़ना हमने, वो बेसिक फंक्शन है। कॉट को अगर हम बेसिक फॉर्म में लिखें तो कॉस ओवर साइन, एडवांटेज क्या मिला हमें इस तरह लिखने का कि ये साइन स्केयर से क्या हो गया, कैंसिल। यही तो हम असल में चाह रहे थे कि ये एडवांटेज हमें मिले। अब आगे हमारा काम देखें कैसे बन गया है। इधर मैं एक बार इसको लिख लूँ फिर उसके बाद इकट्ठा सॉल्व करता हूँ ताकि ये इंटीग्रेशन एक ही रो में इसकी आ जाए हमारे पास। अब देखें कॉट स्केयर का कोसेकेंट स्केयर जो है ये रिवर्स हो जाएगा आसानी से, तो इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं, इसको अलग कर लें और इसको कर लेते हैं अलग, वन को। यहाँ कॉस स्क्वायर बच गया, और आप लोगों को ये बात भी 3.2 से मैंने बताना स्टार्ट की थी कि साइन और कॉस अगर स्क्वायर में आए तो हम हाफ एंगल यूज करते हैं। अब ये कॉस स्क्वायर आ गया ना, ये दोनों कट चुके हैं, और कॉस स्क्वायर का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये लो बच्चों, अब आपके पास ये सारे के सारा फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। कोसेकेंट स्क्वेयर जो है वो कॉट का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर होता है, तो अगर ये प्लस कोसेकेंट स्क्वेयर लिखा तो ये समझ लें कि एक माइनस से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर जो है ये बन जाएगा आपके पास कॉट का डेरिवेटिव, इसलिए इसका इंटीग्रल आ जाएगा कॉट, और जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो लिमिट कहाँ लिख देंगे हम, राइट पे। वन का इंटीग्रल वैसे तो एक्स होता है, एक्स की रिस्पेक्ट से, यहाँ थीटा की रिस्पेक्ट से क्या होगा, थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें अगर, तो दो जो फंक्शन बचे हुए हैं, वन का इंटीग्रल थीटा और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट आ जाएगी राइट पे 5/4, 5/6 से 5/4। लें जी, पूरी तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बस हमारा जो आखिरी काम होता है, लास्ट स्टेप होता है, वो लिमिट अप्लाई करना होता है।
तो जहां जहां एक्स है वहां लिमिट पुट करना शुरू करें। पहले कॉर्ड अपर लिमिट क्या है, पाई बाय फोर, माइनस कॉर्ड लोअर लिमिट क्या है, पाई बाय सिक्स, फिर पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सिक्स, फिर माइनस हाफ ऑफ थीटा की जगह पाई बाय फोर। पहले पाई बाय फोर पुट करें, यहाँ जो कि टू इंटू थीटा है ना, टू थीटा है, तो पाई बाय फोर पुट करेंगे यानी 45 पुट करेंगे, डबल हो जाएगा वो, तो डबल होके पाई बाय टू बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस जहां जहां थीटा था वहां लोअर लिमिट पुट करें पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय सिक्स का डबल करेंगे तो पाई बाय थ्री हो जाएगा, इसको हम 60 कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये क्या बना है, कॉर्ड पाई बाय फोर पे टेन पाई बाय फोर का रेसिप्रोकल होता है, टेन वन होता है तो ये भी वन होगा, कॉर्ड पाई बाय सिक्स के ऊपर अंडर रूट थ्री होता है। अब बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है वो हमने करनी है, पाई बाय फोर साइन 90 पे वन होता है, वन बाय टू, फिर पाई बाय सिक्स साइन 60 पे अंडर रूट थ्री बाई टू होता है, तो ये अंडर रूट थ्री बाय फोर हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है जी, इन सारों का बेटा एलसीएम वगैरह लेना है हमने, सिंपलीफाई करना है, तो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ये जब आपको इसकी पिक्चर्स में सेंड करूंगा तो उसमें इसकी जो सिंपलीफाइड फॉर्म है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अभी थोड़ा सा टाइम हम बचाने के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, और मैं इनको ये सॉल्व करके सारे जो बनेगा ना तो वो आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, खुद भी वैसे ये कर सकते हैं, तो इसको ये स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमने कौन सा करना है। इसके बाद 17 जो है ये तो हमने कर लिया है, 20 इसके साथ सिमिलर था, 17 और 20 दोनों सिमिलर है, और इस स्टेप के साथ उसकी जो है वो सिमिलरिटी बन रही थी, तो हम आगे चलते हैं अब और देखते हैं कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग और कौन सा करना है। तो एक 18 हमने करना है और उसके बाद एक 19 करना है, 18 मैं करवा देता हूँ, 19 आसान से वो खुद भी कर सकते हैं। कॉस अब बुक में देखें अगर, तो 19 में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वायर थीटा का मतलब है कि कॉस फंक्शन है, स्क्वायर यानी टू उसकी पावर है, और साइन उसका साथ डेरिवेटिव अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो बनाया जा सकता है। तो 19 का हिंट ये है बेटा कि वो पावर रूल से होगा, और मैं आपको करवा देता हूँ 18, इसमें कॉस 4t dt है। ठीक है जी, यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन और देखते हैं इसको किस तरह डील करना है हमने। अभी जो कॉस 4 पावर है ना, ये थोड़ा सा हमारे लिए इशू ये होता है कि हमने जो डीलिंग की हुई अभी तक वो सिर्फ स्क्वेयर के साथ और क्यूब के साथ की हुई है, कॉस अगर स्क्वेयर आता है तो हम हाफ एंगल लगाते हैं, कॉस अगर क्यूब आता है तो हम कॉस इंटू कॉस स्क्वेयर कर लेते हैं, लेकिन ये आ गया कॉस 4, तो अब मसला ये है कि ये 4 पावर तो हमसे इंटीग्रेट नहीं होनी डायरेक्ट, हमें इस पावर को किसी ना किसी तरह हाफ ऑफ करके 1 तक लेके आना है। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हाफ एंगल फार्मूले के दो ही पर्पज होते हैं, पावर को हाफ और एंगल को डबल करना, तो अगर हम चाहते हैं कि इस 4 पावर को किसी तरह 1 पे ले आए तो हमें दो दफा हाफ एंगल लगाना पड़ेगा, एक बार 4 से हाफ होके 2 करेगा वो, और एक बार 2 से हाफ होके 1। आप लोगों को अगर याद हो ना तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी 10.3 में सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हुआ करता था, जिसमें ये लिखा होता था कि रिड्यूस साइन 4 थीटा या कॉस 4 थीटा एज ए फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर, ये आपने क्वेश्चन किया भी था 10.3 में, ये उसी तरह का है। तो कॉस 4 के ऊपर लिखते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का हाफ एंगल फार्मूला भी पिछले पेज में भी यूज हुआ था पिछले क्वेश्चन में, तो 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर स्क्वायर खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4, फिर 1/4 को बाहर लिख दें कांस्टेंट है, 1 प्लस ये जो कॉस स्क्वायर टी है ना ये वाला, इस कॉस स्क्वायर टी के मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, जो कि यहाँ फिर मैंने हाफ एंगल लगाना है, 2 cos 2t। ठीक है जी, अब आपको ये जो कॉस स्क्वायर टी है ना इस पे फिर जिस तरह
हाफ एंगल फार्मूला पावर को ऑफ करता है ना, तो इसकी तो पावर 1 बन चुकी है, ठीक है, इसका तो कोई इशू नहीं। इसका आपने थोड़ा सा चेंज करना है, कॉस स्क्वायर 4t, कॉस स्क्वायर 2t का फॉर्मूला लगाए तो यूं हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t से डबल होके क्या हो जाना है 4t डिवाइडेड बाय 2, ये लें। अब ये सारी अगर ऑब्जर्व करें आप वैल्यूज, तो सब के अंदर पावर 1 से ज्यादा नहीं है, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया है फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा इसकी फॉर्म में, और पावर सारी हमने 1 कर दी है। अब 2 LCM आएगा, 2 प्लस, ये रहें जी। अब फायदा हमें ये हुआ है कि अब हमें ये आसानी से इसकी इंटीग्रेशन मिल जानी, तो कॉस 4 जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब आप कॉस 4t की जगह ये लिख देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हमारे लिए इजी है, ठीक है। नाउ अब देखिएगा, क्वेश्चन तो हमारा ये था ना कि 0 to π/4 cos 4t dt, इसमें cos 4t की जब वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 1/8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 3 का इंटीग्रल t की रिस्पेक्ट से 3t होगा, इस तरह 2 का 2x बन जाता होता है x की रिस्पेक्ट से, इस तरह 3 का t की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 3t। cos 4t का sin 4t डिवाइडेड बाय 4, और cos 2t का sin 2t डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट π/4 है, 3 × π/4, यहां जब π/4 पुट करेंगे 4 4 से कटेगा तो पाई रह जाएगा, ये 2 इससे भी कट जाएगा, 2 रह जाएगा, और π/4 यहाँ पुट करेंगे तो t की जगह π/4 पुट करेंगे, 2 2 से कटेगा तो π/2 रह जाएगा, ये होगी अपर लिमिट। और लोअर लिमिट 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, फिर sin 0 पे 0, फिर sin 0 पे 0, तो लोअर लिमिट पे ये तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। -1/8 × पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये बनता है 3π/4, sin π पे 0 होता है, 0/4 0 हो जाएगा, sin 90 पे 1 होता है, तो ये बन गया भाई आपके पास 1/8, और 3π+8/4 LCM ले लेते हैं इसका, और आखिरी जो इसका आंसर बना 3π+8/32, ये हमारे इंटीग्रल का लास्ट आंसर आया। और इंटीग्रल हमारा क्या था, 0 to π/4 cos 4t dt, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट, कोई इसमें इशू किसी किस्म का है तो वो आपने क्लास के एंड में डिस्कस कर लेना मेरे साथ। अब आपको मैंने क्या है, 19 आपने खुद करना है, देख भी लें। 19 में मैं सिर्फ उसका एंड देता हूँ, यूं लिखा हुआ है कॉस स्क्वेयर, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, थीटा है यहाँ पे, (sin θ dθ), ठीक है। हिंट दे रहा हूँ सिर्फ इसका, 0 से π/3 लिमिट है इसकी। तो अब देखें, कॉस फंक्शन है और पावर उसकी 2 है, अगर हम माइनस से कर लें मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आप देखें फंक्शन पावर और साथ डेरिवेटिव बन जाता है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करके डिवाइड करेंगे, cos³θ/3, और अब ये मैंने सिर्फ आपको छोड़ा है लिमिट अप्लाई करना, तो ये आसान सी चीज है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, होमवर्क है आपका, देख लें इसको। फिर मैं अगला जो क्वेश्चन 20th में पहले बता चुका हूँ कि वो सिमिलर था, 21 जो है वो हम देख लेते हैं किस तरह करना है, और उसके बाद लेक्चर में आज का क्लोज करता हूँ, ठीक है। 21 जो है हमारे पास ये है, 21 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह समझना है और तैयार भी करना है। 0 to π/4 secant θ/sin θ+cos θ, तो इसमें हमें जब स्टार्ट करते हैं तो जो पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो ये है कि हम रूल कोई अप्लाई होता है हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता,
असल में जब हमें क्वेश्चन वाली फॉर्म नजर आती है ना, तो हमें आइडिया हो रहा होता है कि यहाँ क्वेश्चन रूल बनने का चांस हो सकता है। और क्वेश्चन रूल तब बनता है जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर डेरिवेटिव हो। और ऊपर लिखा हुआ है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा तो किसी का डेरिवेटिव होता ही नहीं है। अगर डेरिवेटिव होता भी है तो वो सीकेंट स्क्वेयर थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नीचे वाले फंक्शन का, यानी ऊपर अगर किसी भी फंक्शन का, नीचे वाले को छोड़ दें, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऊपर हमें कोई डेरिवेटिव चाहिए होगा ना। जैसे साइन का कॉज होता है, ठीक है, कॉज का माइनस साइन होता है। इसी तरह से सीकेंट किसी का डेरिवेटिव नहीं, तो सीकेंट स्क्वेयर डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम डेरिवेटिव बनाना भी चाहते हैं, तो हम इसको सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई और सीकेंट थीटा से डिवाइड कर लेना अगर, तो तब ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा किसी का। और वो डेरिवेटिव किसका बनता है, वो टेन का। तो देखें, आपने सिर्फ इतना हिंट समझा है, इतना हिंट लिया है कि ऊपर हम डेरिवेटिव बनाने के लिए सीकेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो देखें होगा क्या, सीकेंट इंटू सीकेंट क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा। नीचे वाले सीकेंट को आप सिंप्लीफाई करने के लिए 1/cos लिख दें, ताकि ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज हैं उनके साथ इसकी समहाउ सिंप्लीफिकेशन हो सके। अब आप इसको अंदर ले जाएं अगर, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा, तो ये साइन ओवर कॉस, ये जो अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन ओवर कॉस पहले वाले के साथ टेन बन जाएगा, और कॉस ओवर कॉस जब होगा तो वो वन हो जाएगा कट के। तो अब देखिए, हिंट आपने सिर्फ इतना लिया था कि ऊपर आपने डेरिवेटिव बनाया, अब नीचे ऑटोमेटिकली फंक्शन भी बन गया, टेन का सीकेंट स्क्वेयर और वन का जीरो। तो इस पे आसानी से क्वेश्चन टू लग रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस वन, अपर लिमिट पाई बाय फोर, लोअर लिमिट जीरो, ठीक है। और ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बस आज ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं। टेन पाई बाय फोर, अपर लिमिट पाई बाय फोर है, माइनस लोअर लिमिट जीरो है। तो लॉग टेन पाई बाय फोर वन होता है, वन प्लस वन, ये बनता है लॉग ऑफ टू, और ये लॉग ऑफ वन जीरो होता है। सो अल्टीमेट रिजल्ट इज लॉग ऑफ टू, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ लाजमी रीजन कोट करनी है आपने क्वेश्चन रूल की पेपर में। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका क्या हो, डेरिवेटिव। तो लॉग ऑफ फंक्शन अगर इनडेफिनेट है तो सी भी ऐड करेंगे, डेफिनेट उसी ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो ये मैंने 24 लिखा है, और 24 जो मैंने लिखा है क्वेश्चन, इसको अगर आप देखें तो ये भी आपके पिछले जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना, उनकी रिवीजन है सारी। रिवीजन किस सेंस में है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने पहले भी कहा था कि इंटीग्रेशन 3.45 तक ही होती है, आगे सारी रिवीजन होती है। तो हमने 3.2 में ये बात सीखी थी पहली दफ़ा कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसको प्रॉपर बना के सॉल्व करना, और प्रॉपर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन। सो क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस टू हो जाएगा, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस वन, साइन चेंज करें माइनस वन। अब देखें जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या बन गया, इसको लिखने का तरीका जानते हैं। क्यू आर सी, क्यू आर डी होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो कोशेंट ऊपर लिखा हुआ है, रिमाइंडर नीचे लिखा हुआ है, ओवर डिवाइजर, ठीक है। ये हो गया इसको लिखने का तरीका। और मैं वैसे आप लोगों को पॉइंट आउट भी कर दूं, ये क्या होता है हमारे पास कोशेंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवाइजर, ठीक है। तो क्यू आर डी होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं, वन टू थ्री एक्स डी एक्स माइनस वन टू थ्री वन डी एक्स माइनस, बाहर लिख दें तो वन ओवर एक्स प्लस वन वन टू थ्री। ये तीनों का आसानी से इंटीग्रल फाइंड हो सकता है, एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई टू। जब तीनों के ऊपर सेम लिमिट है ना बेटा, तीनों की अगर लिमिट सेम है तो तीनों को एक बार इंटीग्रेट करके लिमिट इकट्ठी अप्लाई कर दिया करें। वन का इंटीग्रल एक्स, ये नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो लॉग ऑफ फंक्शन बाय क्वोशेंट रूल।
लॉग में हम मॉड भी यूज करते हैं समटाइम अगर हमें डाउट हो नेगेटिव होने का, लेकिन मुझे पता है 1, 2, 3 ये नेगेटिव नहीं होता, एक्स प्लस वन, तो ये इसलिए मॉड नहीं यूज करे। तो तीनों का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका एक्स, इसका लॉग एक्स प्लस वन लिख के ना, फिर आप लिमिट तीनों की इकट्ठी अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों तरह आपकी चॉइस है। एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां 3 पुट करेंगे, तो ये 3 पुट करने से क्या होगा, 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस 1। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस यहाँ जगह थोड़ी कम है, यहाँ लिखता हूँ, तो जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट करना है अब, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 और फिर 1 पुट करें तो 1 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है तो वो नेक्स्ट पेज पे मैं कर देता हूँ। ये बनेगा आपके पास, पहले वाला बनता है 9/2 माइनस 3 करें, 9/2 माइनस 3 और माइनस लॉग 4 बनता है, और लोअर लिमिट का अगर निकालें तो 1/2 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बनता है। तो लॉग इकट्ठे कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल दी जाए अगर, ये बनेगा 2 3 6, 9 - 6 हो जाता है 3/2, और ये 1/2 माइनस 1 करें, माइनस 1/2 आएगा लेकिन इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस 1/2 बन जाएगा, और ये प्लस का लॉग 2 माइनस ऑपरेट होने के बाद। 3/2 प्लस 1/2 करें तो 4/2 2 हो जाएगा, और लॉग 2 माइनस लॉग 4 कर लें, तो लॉग का रूल होता है कि लॉग कोशेंट को डिफरेंस में बदलता है, तो ये अगर रिवर्स करके लिखें तो ये कोशेंट बन जाएगा लॉग 2 डिवाइडेड बाय लॉग 4, तो अल्टीमेटली बना 2 प्लस लॉग 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसको लॉग ऑफ माइनस 2 भी लिख सकते हैं अगर ऊपर ले जाएं तो, माइनस लॉग ऑफ 2 सॉरी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन भाई। अब आते हैं 27 पे, जरा मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, 27 से पहले एक और भी है रिड्यूस सिलेबस में, वो 25 है, तो 25 भी कर लेते हैं। ये भी बजायर देखने में एक बड़ा क्वेश्चन लगता है लेकिन है नहीं बड़ा। क्या आएगा जी, 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप देखें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखने में एट फर्स्ट साइट ये लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि नीचे एक आपको लीनियर और एक ऐसी क्वाड्रेटिक नजर आ रही जो रिड्यूसेबल टू लीनियर नहीं है, तो केस 1 और केस 3 का मिक्सचर है ये। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करें और जो हमारा विजन है, विजन का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होती है ना, उतना आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है कि इसमें कौन सी टेक्निक एप्लीकेबल है। तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है बेटा कि इसमें अगर हम देखें नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डिग्री 3 बनेगी, ऊपर डिग्री 2 है। तो एक कंसेप्ट आप लोग बेटा याद रखें कि ऊपर नीचे जब भी डिग्री में 1 का फर्क आ रहा हो ना, 1 का डिफरेंस आ रहा हो, तो इस बात के चांसेस होते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता हो तो फिर हमें ट्राई जरूर करनी चाहिए कि क्या बनेगा या नहीं। तो मैं ये करता हूं कि इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं कि क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, क्योंकि पहली ट्राई तो हमेशा हमारी यही होती है ना कि हम बेसिक रूल्स को देखें। तो बेसिक रूल्स में अगर कोशेंट लिखा हुआ नजर आए तो हम कोशेंट रूल की ट्राई करते हैं। उसके लिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। ये बनेगा x³, मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, x² एक्स और -1, ये सारे मैंने मल्टीप्लाई कर दिए और तरतीब से लिखा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्यूब स्क्वेयर एक्स और 1। तो आपको ये फायदा हुआ वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा लग रहा था बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कितना आसान हो गया कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, एक्स के क्यूब का 3x², एक्स स्क्वेयर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0, -1 का 0। ठीक है बेटा, अब हम अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर तो अगला का स्टेप आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। लेकिन अगर आप ये डाउट में और ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया और आप समझ रहे हैं कि आपका अगर इसी स्टेप के बाद आंसर लिख देंगे तो नंबर ना कट जाए,
फिर उससे बचने का तरीका बेटा ये होता है कि आप स्टेप्स बढ़ाने के लिए, जिस तरह मैंने 3.3 में आपको बात बताई थी, 3.2 में बताई थी कि स्टेप्स बढ़ाने के लिए क्वेश्चन का कुछ हिस्सा सब्स्टिट्यूट कर दिया करें, ताकि क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स बढ़ जाएं और हमें डाउट ना रहे कि हमारे नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। ठीक है, ये मैं इसको पुट कर रहा हूँ वाई। अब आप सारे समझते होंगे मैं इसको क्यों पुट कर रहा हूँ वाई। ये बहुत पहले हमने सीखा है 3.3 में कि क्वेश्चन के स्टेप्स अगर बढ़ाने हों तो क्वेश्चन का वो पोर्शन पुट कर दिया जाए जिसका डेरिवेटिव डी एक्स के साथ लिखा हो। तो मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारा इस नीचे वाले का डेरिवेटिव और डी एक्स के साथ लिखा हुआ है, इसलिए इसको पुट कर रहे हैं। फिर आपने दो क्वेश्चन पहले भी किए हैं, अगर हम डिफरेंस जो इंटीग्रेशन होती है उसमें पुट करते हैं तो फिर हमें साथ डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ता है। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x2, एक्स का डी एक्स, एक्स स्क्वेयर का 2x, एक्स का डी एक्स, फिर एक्स का डी एक्स इसका 1 लिख देते हैं और 1 का 0। तो डिफरेंशियल कैसे लिया करें, पहले डेरिवेटिव लिख लिया करें और बाद में साथ डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया करें उसके। और वाई का क्या हो जाएगा, डी, जिसे हम साइन एक्स का कॉज एक्स और साथ डी एक्स लिखते होते हैं ना, ऐसे इसका डेरिवेटिव और सारों का जो डी एक्स था वो बाहर लिख दिया मैंने कॉमन लेके। तो ऊपर वाले की जो पूरी वैल्यू थी ये 3x2 - 2x + 1 dx, वो अब डी वाई के बराबर है। एक्स वाई में बदल गया, डी एक्स डी वाई बदल गया। अब एक चीज तीसरी होती है जिसको लिमिट कहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिमिट भी आपको साथ चेंज करनी पड़ती है। तो लिमिट के लिए यहाँ जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, लिमिट के लिए एक बॉक्स बना लिया करें। हमने एक क्वेश्चन पहले भी इस तरह का इस एक्सरसाइज का किया हुआ, उसमें बताया करें कि पहले लिमिट कौन सी थी और बाद में लिमिट कौन सी आई है। तो पहली जो लिमिट थी हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक थी, पहली लिमिट से हमारे पास थी अगर हम एक्स की बात करें तो 2 to 3 थी लिमिट। ठीक है, अब हम वाई की बात करते हैं, तो वाई हमारे पास किसके इक्वल है, देखें वाई हमने रखा हुआ है यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इधर बाय लिखता हूँ वाई। वाई किसके इक्वल था, ये ऊपर लिखा हुआ है x³ - x² + x और -1, ये वाई था हमारा। तो पहले x को 2 पुट करें यहाँ, 2³ = 8, 8 - 4 = 4, 4 + 2 = 6, 6 - 1 = 5। तो y 5 हो जाएगा, जब 3 पुट करेंगे 27 - 9 = 18, 18 + 3 = 21, 21 - 1 = 20। तो जो लिमिट x की 2 टू 3 थी वो y, क्योंकि y इसके बराबर है तो x पुट करने से वो लिमिट 5 टू 20 हो जाएगी। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो देखें क्या बनता है। सो इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रल की लिमिट जो 2 टू 3 थी वो अब y में आके 5 टू 20 हो गई है। ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा डी एक्स के साथ मिलके ये डी वाई बन गया और नीचे वाले को हमने वाई पुट किया हुआ। तो क्वेश्चन यूं हो गया 5 to 20 1/y dy, और 1/y का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ वाई, वाई की रिस्पेक्ट से वाई का ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगेन लॉग के साथ मॉड क्यों नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, 20 भी और 5 दोनों लिमिट्स पॉजिटिव है। अपर लिमिट पुट करें लॉग ऑफ 20 और लोअर लिमिट पुट करें लॉग ऑफ 5। फिर लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं लॉग m ओवर n, तो लॉग ऑफ 4 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने स्टेप्स कर दिए, क्योंकि बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चन के कम से कम 5 स्टेप्स होने चाहिए। अब आप देखें, अगर हम इसको जो मैंने पहले बात की, अगर हम डायरेक्ट करना चाहते और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता, तो ये देखें मैं क्या करता, मैं कहता कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो क्या होता जी, लॉग लॉग ऑफ फंक्शन लिख देते। फंक्शन क्या था, x³ - x² + x और -1, और लिमिट कितनी थी इसकी जी, 3 ऊपर थी और लोअर लिमिट क्या थी, 2। फिर हम अपर लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट 3 है ना, 3³ - 3² + 3, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट पुट करते तो 2³ - 2² + 2 - 1। तो ये सारा कैलकुलेट करके 20 बनता, ये सारा कैलकुलेट करके 5 बनता, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाते आप इस जगह पे log 20 - log 5। तो ये फर्क होता है अभी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो कैसे करना है और लॉन्ग में आए तो कैसे करना है। ठीक है, तो log 20 - log 5 आता और अल्टीमेटली ये सेम हमारा आंसर जो इधर आया ना वही आ जाता हमारा आंसर। फिर बेशक उसको हम ऐसे करके लिख लेते तो हो सकता था। तो ये जो प्रोसीजर है, एस क्यू लिख रहा हूँ, एस क्यू मीन्स कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, और ये जो प्रोसीजर है बेटा ये एल क्यू लिख रहा हूँ, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना। और वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो दोनों कैटेगरीज के वाले से हमने इसको कर लिया। और ये आप टेक्निक याद रखा करें, इसमें आपकी सब्स्टिट्यूशन जो थी वो रिवाइज करवा दिया मैंने कि सब्स्टिट्यूट किस बेस पे करते होते। दूसरी बात मैंने ये रिवाइज करवाई है बेटा कि अगर स्टेप्स बढ़ाने हों
तो क्वेश्चन का कुछ हिस्सा सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो हिस्सा करेंगे जिसका डेरिवेटिव डी एक्स के साथ लिखा हो। ये भी रिविजन होगी आपकी। ये बातें कई दफ़ा पहले हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं। फिर हम ये मैंने आपको बताया है कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में पुट करते हैं, ऑल दो कि हमने बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं ऐसे, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा जो हम सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हैं। इससे पहले हमने और कोई क्वेश्चन नहीं किया और एक आध इसके बाद हमने करना है। तो आपने देखा है कि इसमें वेरिएबल भी एक्स से वाई में गया, डी एक्स डी वाई में चला गया और डिफरेंट जो लिमिट थी वो भी एक्स से किस में आ गई, वाई में। तो यहाँ पर हमारा 25 तक काम ख़त्म होता है। अब बेटा आगे चलते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना ये मैं करवाता हूँ आपको अभी। क्वेश्चन 27 जो है हमारा, ये 26 27 सिमिलर होते थे एक स्टेप के बाद, लेकिन उसने इस बार रिड्यूस सिलेबस में 27 रखा है, 26 नहीं रखा। तो अगर रिड्यूस सिलेबस ना भी होता तब भी इन दोनों में से एक ही करना पड़ता है, क्योंकि ये जो 27 है ये एक स्टेप हम करेंगे रेशनलाइजेशन वाला, तो ये 26 ही बन जाएगा। थोड़ा सा फर्क होगा इसमें, तो मैं इसको करता हूँ बाय रैशनलाइजेशन। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली जिसमें और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा और ना इसमें कोई बेसिक रूल लग रहा है ना ये रिवर्स हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हमने देखा है कि एक ही क्वेश्चन की दो या तीन फॉर्म्स होती हैं। तो हम हाफ एंगल डबल एंगल को भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ये इस तरह का इजी स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है तो फिर हम प्रेफर करते हैं रैशनलाइज करने को। ऐसे क्वेश्चन हमने 3.3 में भी किए हैं, 3.2 में भी। तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये नहीं जी, ये एक स्टेप करने से क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। अब ऊपर जब रैशनलाइज किया तो यहां है रीजन कोड करने बाय रैशनलाइजिंग, नीचे क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वन माइनस साइन स्केयर क्या होता है, कॉस स्केयर। तो जीरो टू पाई बाय फोर ये अलग कर दें पहले वाला, और जीरो टू पाई बाय फोर साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर अलग कर दें। अब वन ओवर कॉस स्क्वायर सारे जानते हैं क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। ये कई दफा ऐसा काम हुआ है पहले। और ये जो साइन ओवर कॉस स्क्वायर है इसके दो हिस्से करेंगे, एक वन ओवर साइन करेंगे, एक वन ओवर काज करेंगे, एक साइन ओवर काज करेंगे। जो वन ओवर काज होगा वो बन जाएगा सीकेंट, जो साइन ओवर काज होगा वो बन जाएगा टेंजेंट। तो ये दोनों अब आसानी से हो रहे हैं। ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेट नहीं हो रही थी, लेकिन ये इसकी रैशनलाइजेशन के बाद एक्सप्रेशन बनी है। ऑल दो कि ये एक्सप्रेशन इसके बिल्कुल बराबर है, जो कि उसी की ये मॉडिफाइड फॉर्म है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, टेन, और इसका आ जाएगा सिर्फ सीकेंट। अपर लिमिट पुट करें जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टेन पाई बाय फोर पे क्या होता है, वन, टेन जीरो पे क्या होता है, जीरो। सीकेंड पाई बाय फोर पे क्या होता है जी, अंडर रूट टू, और सीकेंड जीरो पे क्या होता है, वन। इसको खोलते हैं, वन माइनस अंडर रूट टू प्लस वन, तो ये बन गया टू माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई इशू इसमें हुआ तो एंड में पूछ लेंगे आप लोग। तो ये हमारा 27 कंप्लीट हो गया, जो मैं बात कर रहा था ना कि दोनों सेम हो जाएंगे। अगर आप ये रैशनलाइज करने के बाद इसको देखें और बुक आपके सामने अगर पड़ी हुई है, तो क्वेश्चन 26 अगर देखें बिल्कुल यही लिखा हुआ है, सिर्फ इधर वन माइनस साइन एक्स है, उधर साइन एक्स माइनस वन ओवर कॉस स्क्वायर है, और उसमें ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, इतना फर्क है। लेकिन वो इस बार आपके रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं। अब हम आ जाते हैं, दो क्वेश्चन रह गए हैं, 28 रह गए और 30 रह गए, तो वो भी करके एक्सरसाइज जो है वो आज आपकी इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगी। तो पहले हम करते हैं 28 भी कोई नई चीज नहीं है, प्रीवियस जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए उनकी रिवीजन है। रिवीजन कैसे, अभी आप लोगों ने 3.3 के अंदर एक क्वेश्चन किया था, थर्ड लास्ट क्वेश्चन,
3.3 का थर्ड लास्ट एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, उसमें ये बात आपने सीखी थी कि ये है तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर डिग्री वन नीचे डिग्री वन है लेकिन स्क्वेयर रूट के अंदर है, तो उसका मतलब है डिग्री वन से कम हो गई डिग्री, तो बाय पैरेलली कहेंगे उसको लेकिन पावर कह दें उसको, वो कम हो जाएगी उसकी, तो इम्प्रॉपर तो ये है लेकिन ये प्रॉपर बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये डिवीजन नहीं हो सकती, डिवीजन होती है पॉलिनोमियल्स की, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें इसका को हल निकालना पड़ेगा कि इसको किसी तरह हम डिवाइड करके अलग अलग कर लें। तो आपको मैंने बताया था कि जहां फ्रैक्शन डिवाइड करना जरूरी हो और लॉन्ग डिवीजन पॉसिबल ना हो वहां हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। इनडायरेक्ट डिवीजन क्या होती है? इनडायरेक्ट डिवीजन ये होती है कि नीचे वाला फंक्शन आपको ऊपर बनाना होता है। अगर नीचे वाला फंक्शन ऊपर आप बना लेंगे तो आप इसको इनडायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाने का तरीका क्या होता है कि अगर नीचे और ऊपर ऑब्जर्व करें तो आपको सिमिलैरिटी कुछ मिल रही है और कुछ आपने डेवलप करनी है सिमिलैरिटी, ठीक है। तो जिस तरह 3x 3x ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, 0 to 1 4 - 3x, ठीक है। 3x तो आपके पास ऊपर अवेलेबल है, पहले एक माइनस से करें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड ताकि ये -3x तो बने ना, ये दोनों क्या हो गए -3x - 3x सेम हो गए। रेफरेंस के लिए मैंने कहा ना अभी, मैं जिस तरह आपको बता रहा था बात कि पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने 3.3 के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन किया था और 3.3 के अंदर वो जो क्वेश्चन था जो बिल्कुल इसके साथ सिमिलर था वो क्वेश्चन नंबर 20 था, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 20 थर्ड लास्ट या था उसका एक्सरसाइज 3.3 का, और इसको हमने कहा था क्वेश्चन रिलेटेड टू इनडायरेक्ट डिवीजन। अब आपने नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाना है तो अब क्या चीज कम रहेगी वो देखते हैं जरा। पहले आपने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, फर्दर स्टेप इसका क्या हो सकता है, अब आप इसमें -3x तो बन गया ना, इसमें अब आप लोगों ने 4 ऐड भी करना और 4 सब्ट्रैक्ट भी, ठीक है। उसका कलर जरा डिफरेंट करता हूँ मैं, 4 ऐड भी कर दी और 4 सब्ट्रैक्ट भी। ये जो 4 हमने ऐड किया है ना ये बिल्कुल सिमिलर हो गया इसके साथ, देखें ये सिमिलर होने का फायदा हमें ये हुआ है कि अब ऊपर नीचे सिमिलरिटी बन गई है। तो ये होता है बेटा इनडायरेक्ट डिवीजन का प्रोसीजर कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो ऊपर बना लेते हैं। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करेंगे तो ये आसानी से जो है वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। इधर ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसको फर्दर देखेंगे क्या बनता है। 0 to 1 4 - 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 - 3x और माइनस माइनस प्लस प्लस होगा और 0 to 1 4 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 - 3x, ठीक है बेटा। अब इसकी पावर 1 है, नीचे हाफ है, ये ऊपर जाएगी तो 1 में से हाफ निकल जाएगी, हाफ रह जाएगी और ये हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये दोनों अब आसानी से पावर रूल जो है उससे हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ इसको, देखें तो दोनों को लिखना शुरू करें तो ये बनेगा आपके पास, पहले वाला आ जाएगा 0 to 1 माइनस भी साथ है 0 to 1 और जब ऊपर लेके आएंगे 4 - 3x 1 - हाफ हाफ पावर रह जाएगी, ठीक है। और dx और दूसरे में लिखा था हमारे पास 4 उसका कांस्टेंट था उसको बाहर लिख दें 0 to 1 और वो पावर जब ऊपर लेके आएंगे तो वो 4 - 3x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। अच्छा अब आप देखें दोनों पे कौन सा रूल लग रहा है, तो हम जानते हैं किसी भी सिंप्लीफिकेशन के बाद 90% चांसेस होते हैं कि वो बेसिक रूल से हो जाएगा या रिवर्स रूल से हो जाएगा। तो फंक्शन है पावर साथ डेरिवेटिव चाहिए हमें, फंक्शन है पावर है साथ हमें चाहिए डेरिवेटिव, तो 4 का 0 - 3x का -3 4 का 0 - 3x का -3। तो अगले स्टेप में मुझे इनके डेरिवेटिव चाहिए तो मैं इतनी स्पेस छोड़ता हूँ कि मैं इनके डेरिवेटिव के लिए जो नंबर चाहिए वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, ठीक है। 0 to 1 4 - 3x power 1/2 यहाँ चाहिए डेरिवेटिव मुझे, मैं स्पेस छोड़ देता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली ये है 4 पहले से लिखा हुआ, यहाँ कुछ हमें डिवाइड करना पड़ेगा डेरिवेटिव के लिए 4 - 3x और यहाँ फिर हम स्पेस रखते हैं कि जहाँ हमें डेरिवेटिव मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब आप मैं ज़रा इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पहले से एक माइनस लिखा हुआ था, यहाँ एक फ्रैक्शन बना लेते हैं ताकि जहाँ आपने डिवाइड करना होगा, तो जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है इसका -3, तो -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है जी। फंक्शन है पावर है साथ डेरिवेटिव है,
अब क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा, 0 to 1, 4 - 3x। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन की ये लिमिट तो जरूरत नहीं यहाँ पे ना। तो फंक्शन है पावर एस आर डेरिवेटिव है, तो पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, और लिमिट आ जाएगी कहाँ पे, राइट पे। मैंने क्या फंक्शन की पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दिया, इधर ही फंक्शन की पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड कर दिया, और लिमिट हम कहाँ ले आते हैं फिर, राइट साइड पे। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दिया करें, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 + 1/2 कितना बनेगा, 3/2, 3 3 = 9 और 2 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 2/9। इधर आ जाएगा 4 - 3x/1.5 कितना होता है, 3/2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। ये 1 - 1/2 1/2 बनेगा, वो जो 1/2 बनेगा वो उलट के ऊपर जाएगा, तो वो 2 4 = 8 हो जाना है, और 8/ कितना रह जाएगा नीचे, 3, और 4 - 3x/1 - 1/2 कितना बचेगा, 1/2। जब पूरी तरह सिंपलीफाई हो जाए फिर लिमिट अप्लाई किया करें। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो लिमिट जब अप्लाई करते हैं आप सारे जानते हैं क्या होता है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 2/9 अपर लिमिट पुट करें तो 4 - 3 × 1/3/2, और लोअर लिमिट पुट करें तो 4 - 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर ये 8/3 है, इसके साथ पहले अपर लिमिट पुट करें, 4 - 3 × 1 3 होगा, और माइनस लोअर लिमिट पुट करें, 4 - 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी जो कैलकुलेशन है उसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं और बस फाइंड अप करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 - 3 1 होता है, 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहती है, तो ये तो 1/3/2 बन जाएगा अल्टीमेटली, और ये 4/3/2 का मतलब होगा 4 का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब जो 8 बनता है। 4 - 3 1, 1 की जो पावर हो 1 ही बनती है, ये 4 का स्क्वायर रूट है जो कि 2 होगा, यहाँ स्क्वायर रूट का भी क्यूब था ऊपर, तो ये 2/3 8 बन गया था, तो 1 - 8 - 7 तो ये बनेगा -14/9, और 1 - 2 करें -1 ये बनेगा +8/3। एलसीएम जब लेंगे इसका आप, तो 9 एलसीएम आएगा, -14 + 24 तो ये आ जाएगा आपके पास 10/9। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 30 है हम डायरेक्ट। 29, 30 वैसे दोनों सिमिलर हैं, तो एक हमें करने का कहा गया है रिड्यूस सिलेबस में, तो सिमिलर हैं तो एक भी कर लें तो हमारे लिए काफ़ी है। अगर रिड्यूस सिलेबस ना भी होता भी हम एक ही इसमें से करते होते, तो 0 to π/2 आगे लिखा हुआ जी, साइन ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 + cos x टुगेदर विद 2 + cos x। तो ये भी बेटा कोई नई चीज आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें बात को, तो ये भी 3.3 के अंदर इसका हमें रेफरेंस मिलता है। मैं आपको रेफरेंस मार्क करवा देता हूँ, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 16 किया था, जो क्वेश्चन सिर्फ साइन कॉज में हुआ करते थे, और वहां साइन कॉज वाले क्वेश्चंस में हम किसी एक को पुट किया करते थे, साइन को या कॉज को, और कैसे पता लगता था कि हमने साइन पुट करना है या कॉज, हम देखा करते थे कि ऊपर डेरिवेटिव किसका लिखा हुआ है, अगर ऊपर साइन लिखा हो तो कॉज पुट करते थे, और ऊपर कॉज लिखा हो तो साइन पुट करते थे। यहाँ अगर हम देखें तो ऊपर डेरिवेटिव डी एक्स के साथ अगर साइन का लिखा हुआ तो मैं कॉस पुट करूंगा, अगर कॉस का लिखा हुआ तो मैं साइन पुट करूंगा, तो मुझे नजर आ रहा है ऊपर कि अगर हम साइन को देखें तो साइन तो किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन अगर इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिवाइड, तो अब ये कॉस का डेरिवेटिव बनता है। तो सब्स्टिट्यूशन आज भी हमने एक क्वेश्चन में किया है, जो शुरू में एक क्वेश्चन किया था, तो मैं सब्स्टिट्यूशन का मेन रूल यही होता है कि जिसका डेरिवेटिव डी एक्स के साथ लिखा हो उसको पुट करें। तो साइन काज में हम जानते हैं कि एक दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा होता है, तो काज को अगर हम पुट करेंगे वाई, तो साथ क्या चेंज होगा, अभी डिफरेंशियल भी लेना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स,
कॉस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स का आ जाएगा डी एक्स और वाई का आ जाएगा डी वाई। तो जो माइनस साइन एक्स डी एक्स है ये सारा डी वाई के बराबर हो गया, कॉस एक्स वाई के बराबर हो गया। अब एक चीज जो आपको बार बार बताता हूं मैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में और इनडेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन के वक्त फर्क ये पड़ता है कि इनडेफिनेट के अंदर आपको सिर्फ एक्स सिर्फ वेरिएबल चेंज करना पड़ता है और साथ उसका डिफरेंशियल, ठीक है। जबकि आप जब कर रहे होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो डेफिनेट में दो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं आपको, एक डेफिनेट में तीन चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक वेरिएबल, एक डिफरेंशियल और एक लिमिट। फिर लिमिट पहले एक्स में थी, अब किस में आ गई है, वाई में, और वाई किसके को रखा हमने, कॉस एक्स के। एक्स 0 to π/2 था ये जो लिमिट थी, अब देखना वाई क्या होगा। तो पहले आप 0 पुट करें, कॉस 0 पे 1, एक्स को 0 और फिर एक्स को एक बार π/2 पुट करना है, कॉस 0 पे 1 और कॉस π/2 पे 0 होता है। तो जो लिमिट एक्स की 0 to π/2 थी वो वाई की 1 to 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें आप, इसको मैं थोड़ा रखता हूँ कंटिन्यूटी में ताकि हमें नजर आता रहे साथ साथ। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, अभी देखें, जीरो टू पाई बाई टू की जगह लिमिट आ जाएगी 1 to 0, माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी वाई और नीचे आ जाएगा 1 + y 2 + y। अच्छा, अब लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लोअर लिमिट छोटी और बड़ी, अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए। तो जब हम लिमिट को चेंज करेंगे ना, ठीक करेंगे, सेट करेंगे लिमिट को 0 to 1 करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी आप लोग सारे याद रखें कि जब भी लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट आपस में इंटरचेंज की जाती है तो एक नेगेटिव साइन जनरेट होता है जो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। जिस तरह आप लोगों को याद होगा फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस वाले चैप्टर के अंदर डिटरमिनेंट लेते हुए जब दो रोज को आप इंटरचेंज करते थे उससे एक नेगेटिव साइन आया करता था, इसी तरह लिमिट की प्रॉपर्टी भी याद रखें कि जब लिमिट्स को आप इंटरचेंज करेंगे 1 0 को 0 1 किया तो एक नेगेटिव आएगा जो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। और ये वैसे 1 + y 2 + y को मैंने तरतीब के लिए यूं लिख दिया, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा ऑर्डर मैंने सेट कर दिया इसका। अब ये टाइप बन गई है पार्शियल फ्रैक्शन के साथ मिलती जुलती। तो पार्शियल फ्रैक्शन के केस में क्या करते थे हम, इसको अलग से कंसिडर करते होते हैं और इसको फिलहाल कोई नाम दे देते हैं, स्टार इक्वेशन कह दें। तो ये हमें लग रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की हमारी रिवीजन होने लगी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको अलग करता हूँ और ये पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहला केस है, फ्रैक्शन प्रॉपर भी है, फैक्टराइज डिनोमिनेटर पहले से हुआ हुआ है। 3.5 आपने पढ़ी है ना इस चैप्टर की पूरी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर थी, उसका सबसे आसान पहला केस होता है। इसको फिर कोई नाम दे देते हैं 1, फिर एक कॉमन सा स्टेप होता है कि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते होते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय द एलसीएम। एलसीएम कितना है जी, y + 1 y + 2। ए के साथ आएगा y + 2 और बी के साथ आएगा y + 1, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जी, फॉर द वैल्यू ऑफ ए, ए के लिए y + 1 0 पुट करें, यहां से y आ जाएगा -1 इन इक्वेशन 2। बी के साथ ये सारे जानते हैं, ये बड़े कॉमन स्टेप होते हैं, इसको जरा मैं स्पीड से कर देता हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। 2 - 1 1 होगा, ए के साथ 1 आएगा तो अल्टीमेटली ए भी क्या आ जाएगा, 1। ए आ गया 1, यहाँ से बी निकालने के लिए हम बी का डिनोमिनेटर 0 पुट करते होते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो रहा है लेकिन केस 1 है, इतना को हमें एज सच मसाइल का सामना नहीं है। यहाँ से वाई -2 आ जाएगा, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में। तो 1 × क्या आ जाएगा जी, देखें ए के साथ 0 हो जाएगा और बी के साथ आएगा -2 + 1, -1 बनेगा और -1 को अगर हम लेफ्ट पे ले आए तो ये बी आ जाएगा -1। लें जी, ए और बी आ चुके हैं, जरा मैंने स्पीड से किया कैलकुलेशन। अब पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करें, 1 ही ऊपर लिखी है आपके पास, और फिर इसको आखिरी स्टेप होगा इसका इंटीग्रेशन का, पुटिंग वैल्यूज
इन वन। आप जानते हैं कि जो हमने 3.5 में बात सीखी थी कि जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से डील करते हैं इंटीग्रेशन में, तो हमें ऑल दो टाइम हमारा थोड़ा बहुत लगता है फ्रैक्शंस बनाने पे, लेकिन हमने ये बात ऑब्जर्व की थी कि हमारी इसकी जो इंटीग्रेशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस की, वो इंटीग्रेशन आसान होती है। तो जो हमारा टाइम यहाँ ज़ाया होता है वो वहाँ बच जाता है हमारा। अब ये फ्रैक्शन बन गई दो, इसको उठा के ये जो हमारा आंसर है इसको यहाँ पुट करें, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ना ये वाला। तो आप देखें, पुट इन स्टार लिख लें जी, स्टार में पुट करते हैं, ये आखिरी अब ऑलमोस्ट स्टेप होगा। स्टार इक्वेशन क्या थी असल में? वो इंटीग्रल था हमारा, डेफिनेट इंटीग्रल क्या था जी? 0 to 1। तो वो जो फ्रैक्शन लिखी थी उसके ये दो हिस्से हो गए, एक 1/y+1, बाहर माइनस भी था, माइनस माइनस बल्कि प्लस हो चुका था, ठीक है, और 1/y+2 ये आ गया। इन दोनों का इंटीग्रल आसान है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, वाई का वन, वाई का वन वाई की रिस्पेक्ट से, ठीक है, यहाँ भी साथ डी वाई है वाई की रिस्पेक्ट से। तो ये बनेगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस टू। तो मोस्टली पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में पावर या क्वेश्चन टूर ही लगता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट वन, लोअर लिमिट कितनी है? 0। तो अपर लिमिट पुट करें लॉग ऑफ जहां जहां वाई है वहां वन, और लोअर लिमिट पुट करें तो 0 + 1। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया? अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, ये लॉग वन 0 होता है, 0 जगह, और माइनस माइनस प्लस, ये लॉग 2 बन जाएगा। तो लॉग 2 दो हो गए, तो 2 log 2 माइनस log 3 इज द फाइनल आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा हमारी। एक्सरसाइज अगर हमारी खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा काम था वो आज का कंप्लीट हुआ। 3.6 आपकी कंप्लीट है बेटा, लेक्चर को यहाँ खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 3.7 हम जो है वो स्टार्ट करेंगे।